हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जिसकी सिद्ध करना है आपको। टेन ए अपान वन माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपान वन माइनस टेन ए इक्वल टू वन प्लस सेक ए इंटू कोसे के। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आज हम लोग इस सवाल को यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस सवाल को नोट करेंगे। ठीक है, समझो बात, ये जो सवाल लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले हम लोग सवाल को नोट करेंगे। टेन ए अपान वन माइनस कॉट ए, टेन ए अपान वन माइनस कॉट ए, आगे वो प्लस कॉट ए अपान वन माइनस टेन है इक्वल टू वन प्लस सेक ए कोसेक है, वन प्लस सेक ए इंटू कोसेक है। अब देखो, ये सवाल है, इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। चाहे तो आप इसको टेन कॉट से ही लगा लो, और चाहे इसको साइन कॉस में बदल लो, फिर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए, ये साइड हुई एल एच एस, ये आर एच एस, तो एल एच एस को सॉल्व करो तो आर एच एस आ जाए, बताया था ना मैंने आपको। तो हम लोग एल एच एस से सॉल्व करेंगे उसको, आर एच एस आ जाएगा, या आर एच एस सॉल्व करो तो एल एच एस। लेकिन एल एच से आर एच एस लाना आसान है, इसलिए हम इसको इधर से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर कि टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन वन माइनस टेन ए, ये लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर तो टेन ए का टेन लिखेंगे प्लस अपान वन माइनस कॉट ए, ऐसे रहने दो उसको, प्लस इसको थोड़ा चेंज कर लें, इसको कॉट ए को ऐसे रहने दें, और यहाँ पर लिख दें वन माइनस, देखिए फार्मूला लिखेंगे सब एक साइड में, चलिए फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं। टेन ए के लिए फार्मूला लिखेंगे, यहाँ फार्मूला लिखेंगे, चलिए यहाँ पर सब ब्लैक पेन से लिखते हैं कि टेन ए बराबर फार्मूला लगेगा यहाँ पर वन अपान कॉट ए, ये होता है फार्मूला, ये लगा देंगे। जब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, समझो तो ये हो जाएगा वन अपान कॉट ए, यही तो हो जाएगा इतना बस, बाकी सेम टू सेम वही रहा। अब आगे समझो, आगे लिखा हुआ है कि टेन ए अपान वन माइनस कॉट ए प्लस, इसको सॉल्व करोगे जब तो क्या हो जाएगा, कॉट ए अपान इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कॉट ए माइनस वन अपॉन कॉट ए। ठीक है, मैंने आपको इस प्रकार की कंडीशंस बताई हुई हैं, देखो सवाल को आगे यहीं पे सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, कि मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी लिखा हुआ हो फॉर्मूला, देखो यहाँ पर, ठीक है, और समझते हैं ना, अगर लिखा हुआ है कि ए और पूरे के बटे में अगर बी अपॉन सी लिखा हुआ है, तो क्या हो जाता है, ए और सी जो है इसका ऊपर गुणा हो जाता है, इंटू में सी अपॉन बी, ये हो जाता है। सेम यही कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी, इसको समझो आप लोग, ये कंडीशन हो जाएगी, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए, ठीक है, क्लियर, और प्लस यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी आपकी, ये कॉट ए पर पहुँच जाएगा, तो हो जाएगा आपका कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस वन और इंटू में अपॉन सी वाला जो है ऊपर पहुँच जाएगा, ये तो है ए अपान बी अपान सी, तो कॉट ए अपान पूरे के बटे में, यही तो है मेन मुख्य, कौन सा ये वाला तो है बड़ा, बी अपान सी, तो आपका ये वाला जो है कॉट ए ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू में कॉट ए, क्लियर बात। तो इतना आपका ये सॉल्व हो गया है, इसको आगे देखो बराबर, आपको नीचे लिखना है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो आपका इधर हो जाएगा टेन ए, और अगर आपको वीडियो साफ ना लग रही हो तो आप इसकी क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, टेन ए अपान वन माइनस कॉट ए, इतना ही हो गया। प्लस आगे देखो, कॉट कॉट का गुणा करेंगे, हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए माइनस वन। अब देखो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझने वाली, यहाँ पे लिखा हुआ है वन माइनस कॉट ए, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट ए माइनस वन, चीज़ें वही हैं, सिर्फ माइनस का फर्क है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम बनाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, कॉट स्क्वायर ए अपॉन
इधर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 माइनस 10 है, 1 माइनस cot है। क्या किया हमने यहाँ पे, जो cot है -1 लिखा हुआ है इसको 1 माइनस cot है किया, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ा। क्यों, यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, माइनस बाहर निकाला है, तो ये प्लस वाला ये माइनस का हो गया। ठीक है, अब आप लोग देखोगे तो 1 माइनस cot यहाँ पर भी है, 1 माइनस cot है आपका यहाँ पर भी है, मतलब हर समान है, तो लिख सकते हैं कि 1 माइनस cot a लिख सकते हैं। और ऊपर आपका लिखा हुआ है यहाँ पर 10a - cot² a, क्लियर हुई बात, ये बात आपको समझ में यहाँ तक आ गई होगी बिल्कुल ही बेहतर तरीके से। अब देखो थोड़ा सा और, अब ये कॉट ऐसे लगाया तो थोड़ा सा ये लंबा सवाल तो आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में तो आ जाएगा, क्लियर बात, यहाँ तक आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो आपको पता है कि 10a बराबर क्या होता है, 1/cot होता है, और माइनस क्या लिखा हुआ है, cot² a/1, पूरे के बटे में क्या लिखा हुआ है, 1 - cot a, यही तो लिखा हुआ है। अब आगे समझो इसको, थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, जब इसका लासा लेंगे, लासा क्या जाएगा, इसका लासा इसका जाएगा cot a, सही है, 1 का इसमें गुणा cot का इसमें गुणा, तो हो जाएगा 1 - cot² ऑलरेडी है, cot का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, cot³ a, क्लियर बात। अब पूरे के बटे में आ जाओ यहाँ पर, तो कितना लिखा हुआ है, 1 - cot a, ये तो है। जब ऐसे कंडीशन आपको दी गई हो कि a/b पूरे के बटे में सी, तो आपका ये b जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि 1 - cot³ a, क्या आ जाएगा सवाल, 1 - cot³ a, ये आ गया अपॉन, ठीक है, कॉट ए इंटू ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, 1 - cot a, तो 1 - cot a, बस इतना आ गया सवाल आपका। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे, इसको आगे ही सॉल्व कर दें हम। ठीक है, ये क्यूब है यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर एक लिखा हुआ है, एक क्यूब लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों लगाएंगे, फॉर्मूले के लिए, फॉर्मूला होता हमारा है कि a³ - b³ बराबर क्या होता है, a - b (a²) + b² + ab, ये होता है, तो इसलिए इसको लगा देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका 1 - cot a, फिर क्या हो जाएगा, a² + b² + ab, तो 1 का स्क्वायर 1 + b² क्या हो जाएगा, cot² a, a² + b² + ab, + हो जाएगा cot a, और अपान में आ जाओ यहाँ पर, तो अपान में आपका आ जाएगा 1 - cot a, और इंटू में लिखा हुआ है आपके यहाँ पे कॉट ए, तो यहाँ पे ये भी लिख देंगे कॉट ए। बात के लिए समझ में यहाँ तक आ गई होगी। अब आगे देखो, 1 - cot a से 1 - cot a कैंसिल, बचा क्या वो लिख लो, आपका बचा हुआ है कि 1 + cot² a + cot a, और पूरे के बटे में से बचा हुआ है आपका कॉट ए, इसको क्या करेंगे अब हम लोग, इसको लिखेंगे बराबर 1/, अब देखो कॉट ए को सभी से भाग करेंगे, लिख देंगे 1/cot a प्लस cot² a/cot a प्लस cot a/cot a, क्लियर बात। अब देखो बराबर, अब देखो समझो यहाँ पर से थोड़ा सा समझना। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये कट के यहाँ पे कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, क्लियर हुई बात। 1/cot a क्या होता है आपका, 1/cot a होता है 10 a, तो लिख दें 10 a प्लस कॉट से आपका 1 कॉट कैंसिल, क्या बचा कॉट ए, और प्लस 1, ये हो गया इतना। लेकिन लाना क्या है वो देख लो, पहले हमें लाना है यहाँ पर 1 + 1 cos 1, अब इतना आ गया है। अब देखो यहाँ पर बराबर, इसको सही समझना। ठीक है, 10 a के लिए फॉर्मूला होता है sin a/cos a, cot a के लिए फॉर्मूला होता है cos a/sin a, प्लस 1 को + 1 ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करो फिर इधर को, तो ये आपका हो जाएगा कि cos a * sin a। ठीक है, साइन का इधर गुणा हो जाएगा sin² a, cos का इसमें गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos² a + 1,
अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसका वैल्यू कितना होता है, ये तो पता होगा ना आपको, एक होता है। तो ये एक हो जाएगा, तो एक बटे में क्या हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, और प्लस एक, इतना आ गया। इसको लिख सकते हैं एक बटे कॉस ए क्या होता है आपका, सेक ए इंटू एक बटे साइन ए क्या होता है, कॉस ए के, और प्लस एक, ये आ गया आपका आर एच एस। ये तो था प्रूव्ड, देखो से के प्लस कॉस ए के प्लस एक, से के इंटू कॉस ए के प्लस एक क्या आया आपका, से के इंटू कॉस ए के प्लस एक। इस प्रकार से आपका सवाल सॉल्व हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।